T20 वर्ल्ड कप के मैचेस में कराची में मुख्तलिफ मकामात पर बड़ी बड़ी स्क्रीनों का इनेकाद किया गया। ऐसे में मोहम्मदी ब्लड बैंक की जानिब से थैलेसीमिया के शिकार बच्चों के लिए स्क्रीनिंग का इंतजाम किया गया, जिसमें बच्चों ने खूब इंजॉय किया। हाथों में झंडे थामे बच्चों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर पीपल्स पार्टी मिनोरिटी विंग के कराची डिवीज़न के सदर मुश्ताक मट्टू भी मौजूद रहे। उन्होंने बच्चों के साथ मैच देखना यादगार लम्हा करार दिया और कहा कि ऐसी सरगर्मियां होती रहनी चाहिए। मैं यहां पे आया मोहम्मदी ब्लड बैंक में, तो मैं थैलेसीमिया के बच्चों के साथ यहां मौजूद हूं और यहां पर यहां के CEO मैदी साहब भी मौजूद हैं और इनकी खिदमात को देखते हुए और ये जो थैलेसीमिया के बच्चे हैं जो कि ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में हैं, तो मैं समझता हूं कि आज ये खुश हैं, पाकिस्तान का मैच देख रहे हैं, पाकिस्तान के लिए नारे लगा रहे हैं। मैं समझता हूं कि इनके खिदमत को देखते हुए तमाम वो लोग जो खिदमत का जज्बा रखते हैं वो मोहम्मदी ब्लड बैंक का विज़िट करें और इनकी खिदमत में शामिल हो जाएं। बिलखसूस मेरी अपने चेयरमैन बिलाल भुट्टो जरदारी साहब से ये दिली ख्वाहिश है कि अगर मुझे देख रहे हैं तो वो भी यहाँ मोहम्मदी ब्लड बैंक का विज़िट करें और CM साहब से भी, ताकि यहाँ पर आके इनकी खिदमात को देखें। और क्योंकि सिंध में आप देख रहे हैं कि हेल्थ के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खिदमात बहुत ही बेहतरीन है और मैं समझता हूँ कि इसमें भी शामिल हो जाएं तो ये हमारे लिए एक एज़ाज़ की बात होगी। मुश्ताक मंटू ने कहा कि वो थैलेसीमिया के शिकार बच्चों के लिए हर वक्त हाजिर हैं। एनी बात MBB न्यूज़ कराची। हमेशा पैसे ही जमा करते रहे, ना गुड़िया का घर बन पाए और ना हमारा। नन्नी मुन्नी ख्वाहिशों के पीछे अक्सर बड़े बड़े अरमान छुपे होते हैं। अब आपका अपना घर बनाने की ख्वाहिश भी जरूर पूरी होगी, क्योंकि GFS बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ला रहे हैं जदीद तर्ज पर बने हाउसिंग प्रोजेक्ट, जहां अपना घर लेने की ख्वाहिश बदलेगी हकीकत में। तो आए हमसे मिले या हमें कॉल करें, क्योंकि ख्वाहिश होगी तो अपना घर भी होगा। जो बनाए ख्वाहिश को हकीकत।